नमस्कार आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पेश है चौदह अप्रैल गुरुवार शाम सवा सात बजे राजस्थान की बड़ी खबरें केंद्र सरकार ने कपास पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क हटा दिया है अभी तक कपास के आयात पर 11 फीसदी टैक्स लगता था इसमें 5 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 फीसदी एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस था कपास पर सीमा शुल्क हटा लेने से पूरी टेक्सटाइल चेनयान फैब्रिक गारमेंट्स और मेडअप्स को फायदा होगा इससे टेक्सटाइल निर्यात को भी फायदा होगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अधिसूचना 14 अप्रैल 2022 से प्रभाव में आएगी और 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगी कॉटन से सीमा शुल्क हटने का पूरे कपड़ा क्षेत्र को फायदा होगा इसे सूती धागा सस्ता होगा और सूती परिधानों के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर भी लगाम लगेगी राजस्थान में भीषण गर्मी के दौर में जल्द ही अघोषित बिजली कटौती शुरू होगी इसकी वजह है बिजली की खपत पिछले साल की तुलना 600 लाख यूनिट रोजाना बढ़ना है अप्रैल 2021 में जहां 1990 लाख यूनिट से रोज काम चल रहा था इस साल ये डिमांड बढ़कर दो लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है जबकि सप्लाई दो लाख यूनिट ही हो रही है इस बीच पावर प्लांट्स की पाँच यूनिट्स बंद है जिससे प्रोडक्शन कम हो रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मॉनसून 2022 को लेकर पहला अनुमान जारी किया है राजस्थान में इस बार मॉनसून औसत के आसपास बारिश होगी वहीं देश भर की बात करें तो इस मॉनसून औसत की निन्यानवे प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का आंकड़ा कम रह सकता है जयपुर में एक लुटेरी दुल्हन शादी के दो दिन बाद ही रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गई घर में शादी के बाद रिसेप्शन था सब कुछ राजी खुशी चल रहा था दुल्हन अगले दिन ससुराल वालों को बाजार जाने का कहकर निकली थी इसके बाद वो नहीं लौटी मामला झोटवाड़ा थाना क्षेत्र का है लक्ष्मी नगर विष्णु विहार के रूपचंद कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रेक्टर है पीड़ित ने बताया की बुद्ध सिंह नाम का परिचित यूपी की रहने वाली छब्बीस साल की पूजा का रिश्ता लेकर आया था रिश्ता तय होने के बाद चार मार्च को दोनों की अजमेर में शादी हुई रबी का सीजन किसानों के लिए अच्छा रहा है पहली बार जौ के भाव में रिकॉर्ड तेजी आई है गत साल जौ के भाव करीब सोलह सौ सो रुपये प्रति क्विंटल थे जो इस बार बढ़कर तीन हजार से इकतीस सौ रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं जौ के भाव में उछाल का कारण पुराना स्टॉक नहीं होना बताया जा रहा है वहीं रूस यूक्रेन इंडोनेशिया से आयात नहीं होने से भी असर पड़ा है जौ के कुल उत्पादन का सत्तर फीसदी बियर बनाने के काम आता है देश में सर्वाधिक जौ उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है यूपी और मध्य प्रदेश में आरोपियों के घर गिराने के बाद बुलडोजर राजनीति की हर तरफ चर्चा है लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके विरोध में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कई राज्यों में रामनवमी पर आरोपियों के मकान तोड़े जा रहे हैं यह अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई जाँच के किसी का मकान तोड़ दें इनमें कई निर्दोष भी हो सकते हैं गहलोत जयपुर में अम्बेडकर जयंती पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे राजस्थान के अजमेर में भगवान महावीर का दो हजार छः सौ इक्कीसवा जन्म कल्याणक महामोत्सव आज श्रद्धा उत्साह और धार्मिक भावना के साथ मनाया गया भगवान महावीर जयंती के मौके पर अजमेर के केसरगंज स्थित श्री दिगंबर जैन जयसवाल मंदिर प्रांगण पर सुबह साढ़े सात बजे समाजसेवी कैलाश चंद पांड्या द्वारा ध्वजारोहण किया गया उसके बाद शोभा यात्रा का आगाज हुआ जीवन चरित्र और सामाजिक संदेशों से उत्प्रोत जियो जी और जी ने दो सत्याहिंसा एवं जैन दर्शन का संदेश दीती झांकियाँ बैंड बाजों के साथ निकाली गयी राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने मुलाकात की मिश्र से उन्होंने यहां राजभवन में मुलाकात की जो उनकी शिष्टाचार भेंट थी इस दौरान मिश्र ने गणेशी लाल को अपनी पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र की प्रति तथा संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों की तस्वीर भेंट की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के हालात और क्रूड में भारी तेजी का सीधा असर कीमती धातुओं पर हुआ है सोना और चांदी के भाव में इन दिनों जबरदस्त तेजी बनी हुई है एक पखवाड़े में ही सोने में दो हजार रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी में भी लगभग तीन हजार प्रति किलो की तेजी आई है इससे शादियों की तैयारियों में जुटे लोगों को झटका लगा है सराफा व्यवसायी उमेश बंसल के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसका सराफा बाजार पर सीधा असर पड़ रहा है आइटम गर्ल राखी सावंत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं वो अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोस फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं दरअसल वो लग्जरी कार बी एमडब्ल्यू एक्स वन की मालकिन बन गई हैं आपको बता दें कि राखी को ये कार गिफ्ट में मिली है उन्हें ये बड़ा तोहफा शैली लदेर राज भाई और आदिल खान दुरानी ने दिया है जिसके लिए उन्होंने एक वीडियो शेयर कर शुक्रिया कहा वहीं राखी की कार के साथ एक फनी वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर उबाल आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत चार फीसदी तेजी के साथ 108 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई कच्चे तेल की कीमत में तेजी से एक बार फिर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार आठवें दिन गुरुवार को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया पिछले सोलह दिनों में चौदह बार पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी की थी देश में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 6 अप्रैल को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई आजादी के गौरव यात्रा कल शुक्रवार को राजस्थान बॉर्डर में प्रवेश करेगी गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर स्थित रतनपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक यात्रा का स्वागत करेंगे वहाँ सभा भी रखी गई है साबरमती आश्रम से शुरू हुई यात्रा दिल्ली के राजघाट पर जाकर सम्पन्न होगी तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ एस बी न्यूज के और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेलाइकन को प्रेस करें